हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। 2D एरे की बात करेंगे, यानी टू डायमेंशनल एरे की, और इसे मैंने इंपोर्ट करा रखा है। यहां से हम रन पे क्लिक करते हैं और यहां से इसको करवा लेते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने यहां T0 दिया हुआ है। अगर मैं पूरा T दे देता हूं, ये देखिए ये जीरो है ना, जीरो यानी इसकी बात कर रहा है। ये जो एरे बना हुआ है ये जीरो नंबर पे स्टोर है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ठीक है। यहां पर देखिए मैं टू करता हूं या वन करता हूं, देखिए यहां पे ये वन किया हमने, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग जीरो से ही स्टार्ट होती है, ये तो पता ही है। यहां पे फाइव किया और एंटर किया, जैसे ही एंटर किया तो आप देखेंगे यहां 15, 6 और 10 आ रहा है, यानी ये वन नंबर वाला एरे है। और इसको अगर मैं टू कर देता हूं या थ्री कर देता हूं तो उसी के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। जैसे टू किया, फाइव किया, सेव किया, एंटर किया, तो ये देखिए यहां पर ये 10 वाला आ रहा है। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से आगे भी आता चला जाएगा। अब यहां पर कुछ चेंजेस मैं परफॉर्म करने वाला हूं। जब भी हम इसको रन करवा रहे हैं तो यहां पर ये देखिए ये इस तरीके से आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा ही प्रिंट हो जाए तो हमें यहां पर क्या देना होगा, सिर्फ टी देना होगा, और कुछ ना देकर के क्या देना होगा, सिर्फ टी देना होगा। ये टी दे दिया और यहाँ पे फाइव किया और एंटर किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे ही एरेज एक साथ एक लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं। वो डिफरेंट क्या करना चाहते हैं, आइए आपको बताता हूं। यहां पर हम प्रिंट ना करवा करके हम ये चाहते हैं कि ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक लूप लगा लेते हैं, फॉर लूप। तो यहाँ लिखते हैं फॉर इस तरीके से, और यहां पर एक r नाम से वेरिएबल बना लेता हूं इन। अब क्योंकि हमने बनाया t नाम से, तो यहां पे t नाम से जो लिस्ट बनाई उसी के नाम से यहां t दे देता हूं। यहां पे कॉलन लगा देते हैं और फिर यहां पर फॉर लूप लगाता हूं, फॉर इस तरीके से। और यहां एक और बना लेते हैं c इन, इन एक ऑपरेटर है और r नाम से अभी हमने बनाया, ये आप देख ही सकते हैं। और यहां पर इसको टर्मिनेट यानी यहां पर कॉलन लगा देंगे, टर्मिनेटेबल की कॉलन लगा दिया। अब यहां पर प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसे में ये प्रिंट लिखा हमने, प्रिंट लिखने के बाद यहां पर दे दीजिए सी कॉमा एंड इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू, ठीक है। और यहां पे खाली छोड़ दीजिए, ये डबल डॉट कोट्स को खाली छोड़ देना है आपको। और फिर यहां पर एक बार एंटर करके केवल प्रिंट दे देना है इस तरीके से। देखिए प्रिंट को मैंने खाली छोड़ दिया, यहां पर प्रिंट में बहुत कुछ दिया मैंने, लेकिन यहां पर प्रिंट को खाली छोड़ा और यहां से इसको रन करवाया, तो ये रन करवा दिया। आप देखेंगे तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है, अलग अलग लाइंस में ये प्रिंट होकर आ रहा है, देख सकते हैं कि नहीं। तो पहले यहां पर 11 प्रिंट हुआ, 11 ये वाला है, फिर 12 प्रिंट हुआ, 12 ये वाला है, थर्ड इसी तरह से 5 दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, तो सारी चीजें प्रिंट होकर आ रही है, लेकिन अलग अलग लाइन में आ रही है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपके समझ में आ रही होगी। ओके।